मंदिर में जो बहुएं सूट पहन के आती हैं तो उनको सूट पहन के आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। बहुत गलत तरीका हो रहा है। माँ माँ की तरह से ही रहना चाहिए। माँ को विवाहित महिला को विवाहित की तरह रहना चाहिए, कुंवारी की तरह नहीं। कुंवारी की वेशभूषा अलग है, विवाहित की वेशभूषा अलग है। और जो कुंवारी की वेशभूषा है वो वेशभूषा यदि मंदिर में पहन के आओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि फिर तुम्हारे सौहाग पर फर्क पड़ेगा तो गड़बड़ हो सकता है। हमेशा बड़े आदमियों, भगवान के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने जो तुम हो उसी भेष में आना चाहिए। यदि आप स्त्री हैं, पत्नी हैं, तो पत्नी की वेशभूषा जो सबने बताई है वो ही वेशभूषा में आना चाहिए। वेशभूषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुमारी बच्चियों जैसे सलवार कुर्ती जीन्स पहनकर मंदिरों में आना ये आपके दुर्भाग्य का सूचक है, सौभाग्य का नहीं। सुहाग वही है जो मर्यादित है, उस मर्यादा को कायम रखो। कल के दिन मान लीजिए तुमने ऐसा वेशभूषा पहनी कुंवारी बच्चियों जैसे, तो कुंवारी तो बनोगे नहीं विधवा बनोगे, कुंवारी तो बनोगे नहीं परित्यक्ता बनोगे, क्योंकि भेष ही तुम वही पहन के आए। वहां आशीर्वाद उसी भेष पर आशीर्वाद मिल गया, कोई पुण्य वर्गणा ने आकर के दे दिया तो आप हालत समझो। इसलिए देव साध गुरु के सामने जो जैसी है, माँ है तो माँ के भेष में आओ, यदि आप गृहस्थ धर्मपत्नी हैं तो पत्नी के भेष में आओ। जो एक सामान्य व्यवस्था है, एक पत्नी के लिए व्यवस्था क्या है, साड़ी की है कि जीन्स की है? शादियाँ भी आपकी जीन्स में ही होती होंगी, वो साड़ी प्रसिद्ध है, कोई एक नाम है साड़ी का? लहंगा, लहंगा पहनते हैं। अरे लहंगा तो पहन के मत आओ यार। तो पहन के अपना भेष, अपना जो ओरिजिनल भेष है उस भेष में ही पूजा पाठ मंगल करना चाहिए जो आपको निश्चित किया गया है।